हेलो, आप सभी का स्वागत। मैं काजल चौधरी अपने BYC के यूट्यूब चैनल पर इस नए वीडियो में कर रही हूँ। बहुत डिमांड्स थी, बहुत लोगों ने कहा था कि मेडिटेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो डालें जिससे कि हम अपने घर बैठे मेडिटेशन कर पाएँ। उसी के लिए ये वाला वीडियो डाला है। सबसे पहले आप क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है? कुछ नहीं करना, डूइंग नथिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन, है ना? शरीर से भी, मन से भी और सोच के लेवल पर भी। आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठना है और आंखें बंद करनी है। जो जो मैं कहूँ उसको सुनना है और थोड़ी देर मेरी हर बात को, जितने निर्देश दिए गए हैं उन सबको ध्यान से पालन करना है। तो चलिए, मैं और आप एक साथ मिलकर इस 5 से 10 मिनट के जो वीडियो में खुद को दिए गए टाइम को एंजॉय करते हैं। जितना लंबा श्वास ले सकते हो लीजिए और जितना अंदर तक पेट को ले जा सकते हो, तो सांस छोड़ते वक्त लेकर जाइए। सांस भरते हुए पेट को फुलाना, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। जस्ट कैविटी आपकी पूरी, आप उसकी मूवमेंट को फील कर सकते हो। सिर्फ डीप ब्रीदिंग, फोकस करिए अपने ब्रीथ पर। श्वास यानी कि प्राण शक्ति, इस प्राण शक्ति पर पूरा ध्यान। मेरे साथ एक साथ ओम का उच्चारण करें, अपनी एक साथ ओम का उच्चारण। शरीर को जिसने
बनाया है, उसको एक बार मन से धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, आभार, धीरे धीरे अपने अंदर जाना है, अपने अंदर मतलब श्वास क्या है, प्राण शक्ति। ध्यान से शब्द को देखा है, शब्द में और हम में अंतर क्या है, यही आग, यही पूरा शरीर वहां भी होता है, सिर्फ क्या नहीं रहता वहां, श्वास। इस आती जाती श्वास को हम एकदम निग्लेक्ट करके लापरवाही से लेते हैं। प्राण शक्ति को पहचानना है, मींस पार्शियल ब्रीदिंग नहीं, फुल डीप योगिक ब्रीदिंग, पूरे लंग्स को भरो ऑक्सीजन से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो, ब्रेथ। पांच आती जाती श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखो। हर एक श्वास के साथ अपने अंदर लाइट को जाता हुआ महसूस करो, अंधेरों से मुक्ति, रोशनी यानी ज्योति, यानी पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। डूबा हुआ लाइट में अपने मन के आते जाते विचारों को सिर्फ साक्षी भाव से देखना नहीं, देखना है। आप विचारों को रोक नहीं सकते, विचारों को बांधना नहीं है, सिर्फ कौन से विचार, कौन से थॉट्स अभी आपके अंदर से होकर रहे हैं, उनको सिर्फ साक्षी भाव से देखें। एक सोच, आज के दिन आप अपने लिए क्या अच्छा करोगे जिससे आपकी खुशी, आप हाँ सिर्फ आप, से सोचो। क्या आपको गाना सुनना पसंद है, क्या आपको किताब पढ़ना पसंद है, कुछ नहीं सिर्फ खाली बैठना पसंद है। बंद आंखों से संकल्प कि मैं ये काम जरूर करूंगी, से मुस्कुराहट आ रही, सिर्फ उस काम को करने के संकल्प से। पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा कोई नहीं, हाँ आप जैसा कोई नहीं, जितने भी गुण हैं वो भी बहुत विशेष है, बहुत खास है, और जितने अगुण वो भी बहुत खास है, अगुण भी खास है, आपको अलग करता है दूसरों के साथ। अगर आपको लगता है कि वो आपके जिंदगी में
इम्पैक्ट लेकर है तो अभी संकल्प उसको एक एक करके हटाना है। साथ है आप मास्टर हो अपनी बॉडी के, पॉसिबल मीन्स अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, खुद को मास्टर करना। आखिरी मिनट में मेडिटेशन के इस आखिरी मिनट उस परमपिता परमात्मा को ध्यान करो, उस सुप्रीम सोल को ध्यान करो जिसने हम सभी को बनाया है, उस पिता को। जो भी है परमात्मा, जो आकार है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसको मानते हो उसको, सिर्फ उसमें खुद को एकाकार करना, सेकंड के लिए तो जिंदगी भी उसके लिए तो सेकंड निकाल सकते। से कुछ समय मैं मानूंगी आपका और उनका आपस का समय होगा। देखिए अपने परमपिता को, देखिए अपने गुरु को, उसे जो सब कहना है उसे कह डालिए। परेशानी उसे शिकायत उनके लिए आप सब व्यक्त कीजिए, अभी सब यहीं पर कह डालिए। बातें करके कैसा लगा, हल्का महसूस कर रहे हैं आप शरीर से, मन से, खुशी को, इस आनंद को, इस ब्लिस को महसूस कर। मेरे साथ एक साथ ओम का उच्चारण करें जिससे इस रोशनी को, इस हल्के मन को और बढ़ा। Thank you.
हे ऑल, कैसा लगा आपको हमारा ये नया वीडियो? आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपने इस मेडिटेशन के छोटे से टाइम को जो आपने अपने आप को दिया है, डेडिकेट किया है, उसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगे या जो भी एक्सपीरियंस हुआ हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।